Good morning, my princess. Rania. Rania? Wake up, my child. Okay. को देखो, बहादुर! सुबह से मुझे किसी ने चाय को नहीं पूछा, वहाँ पड़ी पड़ी जाग रही हूँ मैं। अब तू मनहूस है या नवाबजादियों की तरह लेटी हुई है, मुंह खोले में सो रही है? किसी तरह की एहसास जिम्मेदारी नहीं है। चली कहाँ तू है? चाचा तेरे बगैर नाश्ता किए चले गए। सौदा लेने जाइयो ना, तो उनका खाने का डिब्बा ले जाइयो। और हाँ, मेरे लिए समोसे जलेबी लाना मत भूलियो। और सुन, देर मत करियो वरना बच्चे उठ जाएंगे तो मेरी जान को आ जाएंगे। एक तो कम बात मारे, ये स्कूल वाले मर्दों छुट्टियां क्यों दे देते हैं बच्चों को? छुट्टियां इसलिए देते हैं ताकि बच्चे नई जमात में ताजा दम होके जाएं। और छुट्टियां मैंने तुझसे पूछा क्या? नहीं पूछा ना, तो चल यहां से अपना काम कर। मनोस सुस्तुल वजूद, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, मनहूस कहीं की। शहजादी रानिया जैसी होती तो कितना अच्छा होता ना। कल से हम आपके बाल कोकोनट वाटर से वॉश किया करेंगे। आपका जो जी चाहता कीजिए, हमने कभी मना किया? आपने तो कभी भी किसी को मना नहीं किया किसी भी बात से, इसीलिए तो सब लोग आपके नाम की माला जपते हैं। सिवाय एक, वो भी कभी ना कभी समझेंगे। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। हमें हमारे खुदा पे पूरा भरोसा। आहिस्ता आहिस्ता, हमारी शहजादी का एक भी बाल ना टूटे। अना हमें अच्छा नहीं लगता आप हमारे इतने काम करते हैं। आपकी पहली मालिश हमने की थी, तब से अब तक हम ही आपके सारे काम कर। हमें अच्छा नहीं लगता कोई आपको छुए। चले फिर आप अपने ये शौक पूरे कर लीजिए, हमारे मरते दम। क्या हुआ है? इतनी बड़ी बात क्यों प्यार पूछ रही है? क्या हुआ? हम तो मजाक कर रहे हैं। आपका मजाक ठहरा और हमारी आंख भर आई। I'm sorry. Sorry मत कहिए। आप शहजादी हमारी प्रिंसेस है, आपके मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। अच्छा छोड़िए ये बातें, ये बताएं पार्टी के कार्ड्स आ गए? जी अमीन साहब के पास है, आप कह रही है तो हम लेकर आते हैं। नहीं, हम ब्रेकफास्ट के बाद देखें। सुबह जब मेरी निगाह सोदाई नजारा थी, आसमां पे एक शुआए आफ्ता आवारा थी। मैंने पूछा उस किरण से, ए सरापा इस तरह,
मैंने पूछा उस किरण से, ए सरापा इस तरह तेरी जाने ना शकेबा में है कैसा इस तरह, तो कोई छोटी सी बिजली है कि जिसको आसमां, तो कोई छोटी सी बिजली है कि जिसको आसमां कर रहा है खिरमन अक्वाम की खातिर जवां, ये तड़प है या अजल से तेरी खूह है, ये तड़प है या अजल से तेरी खूह है, क्या है ये रक्स है आवार की है जुस्तजू है, क्या है ये। तो कोई छोटी सी बिजली है कि जिसको आसमां कर रहा है खिरमन अक्वाम की खातिर जवां, ये तड़प है या अजल से तेरी खूह है, ये तड़प है या अजल से तेरी खूह है, क्या है ये रक्स है आवार की है जुस्तजू है, क्या है। कहाँ खोई हुई है, चाची बुला रही है तुझे, जा जल्दी कर जा। अरे ओ मूस मारी, कहां मर गई थी वहां पर, हैं ले पकड़ इसे, आरामखोर कहेंगी, हट। नहीं तो ये बता कि सुबह की गई गई, अब तू मुड़ी है घर में, हैं बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाया, भूख से धागा हो गए, भूख के मारे दम निकला जा रहा था मेरा, हाथ कप पा रहे थे, आंखों में हल्के पड़ गए थे, तू कहां थी, हैं ला दे समोसे मेरे, बच्चों का नाश्ता बना और उसके बाद इसको निलाइयो। अब बहुत मारी, एक काम को भेजो तू दूसरी जगह चली जाती, आवारा कहेगी। आपने कहा तो मैं चली गई, और बाजार से सौदा लाने को आवारगी कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, गो के मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, अगर कोई ऐसा करे तो उसे आप आवारगी का नाम दे सकते हैं। ए, 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 बड़ी उर्दू के लफज बोले जा रही है बड़े बड़े, एक रेप्टा लगाऊंगी ना सारी उर्दू बाहर बह जाएगी, तेरा किताबें पढ़ना तो मैं बंद करवाऊंगी, उर्दू झाड़ती रहती है हर वक्त, लड़की नहीं है किताबों की अलमारी है, कमबख्त मारी। कहां गया ये चैनल, हां सारा प्लान डिस्टर्ब कर दी, हां ये रहा, लो भला बताओ क्या। अच्छा वरिषा बीबी से आपने कंफर्म कर लिया था इस वीकेंड का? जी मैंने पूछ लिया। ठीक है, हम खुद भी फोन कर लेंगे उनको। और वो कार्ड्स का क्या, वो ऑर्डर कर दिया? जी। गुड, कब तक आएंगे? जी 2 दिन। आप जानते हैं ना कि कार्ड्स हम अपने हाथों से लिखते हैं। जी ठीक है, आप लिस्ट यहाँ छोड़ जाइए। और हाँ आना, ये पार्टी का, और हाँ माली से कह दीजिएगा वेदर चेंज हो रहा है तो हमें गार्डन में अब ट्यूलिप्स चाहिए, वो भी ब्लू वाले, आप जानती ना सालार को कितने पसंद हैं। ओह दैट रिमाइंड्स मी, आपने सालार का अपॉइंटमेंट लिया डिजाइनर से? जी डिजाइनर उनके ऑफिस पहुंच जाएगा। ठीक है, आई होप आपने उनकी सेक्रेटरी से कोऑर्डिनेट कर लिया हो। जी उनसे पूछ के अपॉइंटमेंट लिया था। गुड, यू कैन गो नाउ। हाँ ना, आज लंच हम घर पे करेंगे, आप प्लीज सलार से फोन करके पूछ लीजिए कि वो आ पाएंगे या नहीं। शहजादी रानिया आप जानती हैं कि वो नहीं आएंगे, फिर भी क्यों? आप बात करके तो देखें। जी मैम, आप कहती हैं तो हम पूछ लेते हैं। अरे कितनी बार कहा था तुझे कि किताब को हाथ नहीं लगाना, यहाँ बैठी हुई किताब पढ़ रही है, अरे तू मर क्यों नहीं जाती जो मेरी जान छूटे, मैं जब ही कहूँ सौदा लाने में इतनी देर क्यों हो रही है, हैं?
अब नहीं पढ़ूंगी, पक्का वादा, किताब को छूंगी भी नहीं। ये बचेगी तो तू छुएगी ना, अभी चूल्हे में डालती हूँ देखना। आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आइंदा तूने इस किताब पर हाथ लगाया ना तो हशर कर दूंगी तेरा। साथ साथ क्यों चल रही है, काम कर अपना बदतमीज। मैं बदतमीज नहीं हूँ। क्या, किताब पढ़ना बदतमीजी नहीं होती है? जबान चला दी है, मैं सच बोल रही हूँ। जा जाके बच्चों के निला एक एक करके समझी। मुझे बच्चे पसंद है लेकिन एक साथ इतने सारे बिल्कुल पसंद नहीं है। पागल हो गई है क्या? मैं पागल नहीं हूँ और किसी को पागल बोलना अच्छी बात नहीं होती। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे आपकी और आपको मेरी जरूरत थी, लेकिन अगर आप मुझे इस तरह गालियां देंगे और खासतौर पे मनहूस या फिर पागल बोलेंगे तो मैं यहाँ से क्या, तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। जी जी अमीन, एक सर अमीन का फोन है, वो कह रहे हैं कि मैडम ने आपको घर पे लंच के लिए बुलाया। लंच के लिए घर जाओ, गॉट बेटर थिंग्स सर। मगर मैडम ने खास तौर पे फोन करवाया है, उन्होंने डिजाइनर का अपॉइंटमेंट भी सेट करने को बोला। टेल हर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर मगर वो चाहे थे कि एनुअल बॉल पे आप टक्सीडो अगर पहन। फॉर गॉड सेक, मैं खुद मना कर देना चाहिए। सर मगर वो जस्ट कैंसिल द अपॉइंटमेंट। सर कैंसिल और पोस्टपोन। कैंसिल सर। अरे क्या मुसीबत कर रखी है तुम लोगों ने, दिमाग पिच्ची कर दिया कुछ? अरे कमबख्त हो, बॉलों पे लड़ रहे हो, हट गए बॉलों पे लड़ा। और इसको किसने मारा, किसने मारा इसको? बैठो, आवाज ना निकले तुम लोगों की। अरे ओ बोलबोल, भूल गई टिफिन यही रखा रह गया, खाना नहीं दिया तूने उनको, भूखे हैं वहां। ओए मां मैं तो भूल गई। हां तू तो भूलेगी, तू वो नॉवलों से फुर्सत मिले तो तुझे कुछ याद भी रहे। वो नॉवल नहीं, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बांगे दर। अरे हट, तुझे झूठा फाड़ के मारो तुझे। बहुत मारी, ये देखो भूखे भकलाए गए, खाली तो धेड़ देंगी सबकी आंखों। हेलो, जी बता देती, थैंक यू। एक्सक्यूज मी शहजादी रानी, सलार साहब ने ड्रेस डिजाइनर से अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दिया। व्हाट, ये फैंसी ड्रेस बॉल हमारे खानदान में कब से चला रहे हैं? एंड आई वांट टू कंटिन्यू इट, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। आप क्यों परेशान हो रही हैं शहजादी? सलार साहब वैसे भी फैंसी ड्रेस तो पहनते नहीं, आप बताइए आप क्या पहनना चाहती हैं? अगर हमें इजाजत हो तो कुछ हम सजेस्ट करते। Go ahead. Why not a traditional dress? Like what, saree? जी मैं ये देख रही थी साड़ी को, तो मैं सोच रही थी कि आप साड़ी पहनेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। Are you sure? Yes, I'm sure. Do you think he'll like it? Ji Shahzadi Rania, hame yakeen hai unhe bahut pasand aayegi ye saree. Balki hum to ye soch rahe hain ki he'll fall in love with you all over again. Aap sach keh rahe hain? Ji, hum sach keh rahe hain Shahzadi. Then it's done. Shahzadi sahab, Salar sahab aa gaye. सलारा, हम अभी आते हैं। सर ने गाड़ी वापस भिजवा दी, कहा है वो देर से आएंगे।
बाहर रख दे भाई इसे। अबे अंधा हो गया क्या? कहाँ बोल रहा हूँ, कहाँ रख रहा है तू इसे? इसे ही तो बोला था रखने को। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? भाई से तमीज से बात करो चाचा, चिल्लाना हमें भी आता है। धमकी दे रहा है मेरे को? दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूँ, जा रहा हूँ। जगबे मेरे को समझा रही है? औकात देखो इसकी। अबे औकात क्या तेरी, दिमाग की चटनी बना रही है मेरी? दो चम्मच हाथ नहीं उठाना चाचा, हाथ नहीं उठाना। हम यहाँ काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मुफ्त की नहीं खाते। हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा मेरा तू? क्या कर लेगा? बोल बोल, क्या कर लेगा तू? बोल। अबे जाना चाचा, काम करने दे, क्यों खाली पीली में मुझे शॉर्ट कर रहा है? क्या बोल रहा है? मैं चला जाऊं? तू मेरे को बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है क्या यहाँ से? अबे मेरा कारखाना ये मेरा, तेरे बाप का कारखाना नहीं है। निकल जा, बहुत सारे मजदूर मिल जाते, एक बुलाओ बीस आते, चल तुम जैसे बहुत सारे काम करने वाले मिल गए। निकल जा, पैसे दे पहले, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। अबे चल चल, पैसे दे पहले। कोई पैसे दे नहीं, भुट्टा खाया थे। अबे चाचा बार बार समझा रहा हूँ, खून पसीने की कमाई है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं भी समझा रहा हूँ बार बार, नहीं है पैसे, भुट्टा खाया थे, निकल लिया थे। अपनी उम्र का ख्याल करे, बार बार मेरा मीटर शॉर्ट कर रहा है। क्या कर लेगा बे? क्या कर लेगा तू? बोल क्या कर लेगा तू? बता मेरे को, बता क्या कर लेगा तू? बोल क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं करूंगा मैं, पैसे दे मेरे यार। मेरा क्या कर लेगा तू? मैं पैसे नहीं दे रहा, जा नहीं दे रहा। अबे तू अपने आप को समझ कर ले क्या? चाचा 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 ऐसे क्या देख रही है ना? देखना तो नहीं चाहती लेकिन क्या करे, नजर ही नहीं हटती। और देखना क्यों नहीं चाह रहे? हमें डर है कि कहीं हमारी नजर ना लग जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें पार्टी में भी नहीं जाना चाहिए, वहां किसी की नजर लग गई तो? ये तो बहुत ज्यादती होगी मेहमानों के साथ कि आपकी ब्यूटी उनसे छुपा ली जाए। ये तो ऐसे ही है कि एक अंधेरे कमरे में रोशनी करने के बजाय दिया ही छुपा लिया जाए। आप भी ना। नहीं शहजादी रानी, हम सच कह रहे हैं। आपको पता है जब आप पैदा हुई थी तो आपकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। आपके वालिद ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी और लोग सिर्फ आपको देखने आए थे, और जिसने भी आपको देखा वो आपकी खूबसूरती का गर्विदा हो गया। सभी ने ये कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, फरिश्तों की तरह मासूमियत है आपकी खूबसूरती। हमें याद है आपने सफेद फ्रॉक पहना हुआ था, नवाब हशमत बहुत खुश थे उस दिन, और आप अपनी वालदा की गोद में इस तरह थी जैसे सीप में मोती। हमने एक नजर डाली थी आप पर और हम आपके गर्विदा हो गए थे। यही तो बात, हमारे माँ बाप तो चले गए मगर अपनी सारी मोहब्बत आपने छोड़ गए। चले छोड़े, अब आप इतनी तारीफें करने के बजाय जरा नीचे जाइए और कोई भी बहाना करके सालार को ऊपर भेज दीजिए। जी शहजाद, ऐसा ही हो। बस तुम जाओ। बीना,
चाची कहती है कि चाचा मेरी वजह से मरा है, लेकिन तुम तो समझती हो ना कि मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ खाना ले जाना भूली थी, मुझे क्या पता था कि मेरी किताब पढ़ने से इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि खाना ना खा के चाचा को दिल का दौरा पड़ सकता है तो मैं कभी भी भूलने की गलती ना करती। पर अब ये बात चाची को कौन समझाए, ना तुम समझा सकती हो ना ही मैं। अब क्या हो सकता है सिवाय इसके कि चाची घर संभाले और मैं कारखाना। मैं कभी किसी पर गुस्सा भी नहीं करूंगी, मैं बहुत ईमानदारी और सच्चाई से काम करूंगी, सारे पैसे और हिसाब चाची को दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कारखाना संभालूंगी? मेरा ख्याल है अगर मैं 5 बच्चे संभाल सकती हूँ तो दुनिया का कोई भी काम कर सकती हूँ। और सच्ची बात तो यह है कि मुझे लगता है मैं चाचा से अच्छा ही काम कर सकती हूँ। बस तुम दुआ करो कि चाची मेरी बात समझ जाए। नूरी तू किससे बातें कर रही है? अपनी जान से प्यारी दुलारी और सबसे म्यारी सहेली बीना से। लेकिन वो तो शीशा है। हाँ लेकिन कभी कभार शीशे के उस पार मेरी सहेली बीना होती है। लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, वादा? वादा। ठीक है अब तुम सो जाओ, मुझे चाची से कुछ जरूरी कारोबारी बातें करनी है। कारोबारी? वो क्या होता है? मतलब वो अहम बातें जिनमें पैसों का लेन देन हो। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना ये सारी बातें समझने और समझाने के लिए। तुम अब सो जाओ। ठीक है। सर अगर गुड इवनिंग सर, सब तैयारियां मुकम्मल है सर, 10 बजे का टाइम दिया मेहमानों को। सर अगर आप एक नजर शहजादी रानिया को देख लेते तो वो खुश हो जाती। उसे खुश करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप उनके हस्बैंड हैं सर। एंड यू आर अ सर्वेंट सर। देखो जो होना था सो हो गया, अब तो 40वां भी हो गया और तुम्हारा रोना अभी तक बंद नहीं हुआ। अब रोने के सिवा जिंदगी में रखा भी क्या? मुझे तो पापा मुझे तो सोच सोच के हौल उठते हैं, ये कारखाना कैसे चलेगा और ये बच्चे कैसे पलेंगे। मेरी मानो तो ये सब तुम बेचो और मेरे साथ चलो। पागल हो गई हो क्या? अरे मैं ठीक कह रही हूँ, तुम अकेली कुछ भी नहीं कर सकती, हिल के तो तुमसे पानी पिया जाता नहीं। ये कारखाना और ये बच्चे तुम कैसे संभालोगे? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ पापा, मेरा तो सुहाग उजड़ गया है, मैं तो लुट गई बर्बाद हो गई, इन बच्चों को कैसे पालूंगी। देखो जो चला गया वो वापस नहीं आता, अब तुम्हारे आगे कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें आगे की सोचना है, तुम्हें अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी? यही कि तुम अपने बच्चे किसी को पालने के लिए दे देना। पागल हो गई हो क्या? मैं ठीक कह रही हूँ, नजमा मुझे बता रही थी कि पड़ोस में एक औरत है बे औलाद और उसके पास पैसा बहुत है, वो खुशी खुशी तुम्हारा बच्चा रख लेगी, लिखाएगी
पढ़ाएगी, बड़ा आदमी बनाएगी, और तुम्हें क्या चाहिए हाँ? और बाकी एक बच्चा तुम मेरी नंद रशीदा को दे देना। बच्चे ना हुए, लड्डू हो गए, जाके मोहल्ले में बांट आओ। हाँ, तुम घर में रखे रखे फुफूंदी लगा देना, समझ गई ना? देखो मेरी बहन, मेरी बात मान। देखो मैं तुम्हें पति की बात बता रही, दो होते ना तो इंसान पाल लेता, ये पांच की पांच कहाँ लेके जाएगी, क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी, और अपने लोगों में देने में हर्जी क्या है? हाँ, जब दिल चाहा मिल लिया। मेरी बहन सही कह रही, मान चुकी। जी, रानिया के सामने तो कोई भी अच्छा नहीं लग सकता। Would you also very pretty, Mrs. Ali? ये तो आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं वरिशा, मैं तो खुद इनको beauty queen कहती हूँ। Beauty is not everything. Absolutely, this is what I mean. She's perfect. See that baby? कौन? शहजादी रानिया। Isn't she beauty? Yes, of course, she is beautiful. And I personally believe his Salar is a lucky man. Salar आ गए? जी आ गए, लेकिन ऊपर आने के लिए नहीं कहा। मेहमान आने वाले हैं, अगर ऊपर आ जाएंगे तो तैयार होने में लेट हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है जी। वैसे स्पाउस के मामले में सिर्फ उसी आदमी का दिल बड़ा हो सकता है कि जो किसी इनसिक्योरिटी या कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। यानी कि 90% वाइफ इनसिक्योर और कॉम्प्लेक्स होते। 99% और सालार उन 1% मर्दों में से है जो स्पाउस के मामले में इनसिक्योर नहीं। वाह, ये मंदिर की दासी कहाँ से आ रही है? चाची चाय। वैसे तो जो आप मुनासिब समझे वही होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चों को माँ से जुदा करना ज्यादती है, और उनकी अच्छी तरबियत के लिए जरूरी है कि उन्हें माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। और अगर एक ना रहे तो दूसरे को चाहिए कि हिम्मत का दामन हाथ से ना छोड़े और बच्चों को इतना प्यार दे कि वो अपने सारे गम और कमी भूल जाए। और आप ये कर सकती हैं चाची। ओ, बीसड़ी चलत्तर, क्या बकवास कर रही है तू ये? हाँ, मैं सही बात कर रही हूँ खाला। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, ये मेरा तजुर्बा है। माँ बाप के साथ रहने में और दूसरों के साथ रहने में बहुत फर्क होता है। देख लिया सपोलन को पालने का नतीजा, खिलाया पिलाया इतना बड़ा किया, वही सांप बड़े हो गए तुझे डस रहा है। मैं सच बोल रही हूँ और हमेशा सच ही बोलती रहूंगी। तेरा सच तो मैं निकालूंगी, बढ़िया ही सच बोलने वाली। आपको मुझ पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं खाला, मैं अपनी चाची से बात कर रही हूँ। चाची चाची आप मेरी बात सुने, हम अगर कोशिश करें सब ठीक हो जाएगा। चाची आप समझ रही है ना मेरी बात? हाँ चाची, सब ठीक हो जाएगा। चाची मुझे तेरे साथ चलनी को पाना है। अरे मेरी जूती सुनती है तेरी हिकमत और अमलियात? क्या मेरी जूती तो ढूंढ के ला, क्या जूती ला मेरी? शाबाश मेरी बहन, इसी जुड़वे को तब
मैं बताऊंगी। हाँ इतना गुस्सा कोई कर सकता है? सारी रात रोती रही है, कैसा मुरझा गया आपका चेहरा। आप हमारे चेहरे के मुरझाने की बात कर रही हैं? हमारी तो जिंदगी मुरझा गई। ऐसे नहीं कहते, आपके दम से तो है ये सब। वैसे हमने कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि सालार साहब इतने जालिम निकलेंगे। वो बहुत अच्छा है ना, हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। लेकिन आप क्यों रो रही हैं? मियां बीवी के दरमियान छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। ये छोटे मोटे झगड़े नहीं है, मियां बीवी के दरमियान ऐसे छोटे मोटे झगड़े नहीं होते। प्लीज आना, हमें नौकरों के सामने तो बेइज्जत न करें। आप क्या समझती है लोग कुछ नहीं जानते? ये अंधे हैं, बहरे हैं? शहजादी रानिया, ये सब आपके साथ है। साहब जी तो बिला वजह ही आपको कोसते रहते हैं। खबरदार, हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। गलती तो हमारी ही है ना, हमें उन्हें वो ड्रेस पहने दिखा देना चाहिए था। लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहते थे। कितनी अजीब बात है, मर्द की एक कमजोरी उसकी पूरी शख्सियत को नामुकम्मल कर देती है। आपने वो गजल सुनी है ना? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हाँ, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। पता है हमारा क्या जी करता है ना, क्या हम इस दुनिया की सारी लड़कियों की किस्मत में खुशियां ही खुशियां भरते। किसी को कोई गम ना हो, काश ऐसा हो सकता। हम कोशिश तो कर सकते ना। हम चाहते हैं कि हर लड़की आजादी से अपने फैसले खुद कर सके, उसे अपनी जात पर एतमाद हो, कुछ कर गुजरने की ताकत हो, वो दुनिया को बदल डालने की ताकत रखती हो। मैं जा रही हूँ, तुम सबका ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो? बहुत जरूरी काम है। सौदा लेने? नहीं, चाचा का कारोबार संभालो। मैं कारोबार संभालूंगी तो कोई तुम लोगों को बेघर नहीं करेगा। सब बच्चे संभाल लोगी ना? जाऊं? हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ और ठीक से काम करना। तुम फिक्र मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा।